नहीं ये आ गया रणथंभौर फोर्ट। आज इसको जीतना है, इसके लिए को इसके लिए राजा को गिरा के जाना है। अरे अच्छा मोंटू, अरे मोंटू सुन लो, बड़ी ऊंची ऊंची दीवार ले है ना, पैदल आएंगे उधर भाई। अरे मोंटू सर, अरे बहुत चेंज हो गया, एक महीने में देखो कितना चेंज आ गया। आ गए फोर्ट जोगी मेरे में कर दिया, आवाज मत कर। चलो लो जी पहुंच गए आप रणथंभौर और देखिए यहाँ के नजारा। और यहाँ पे भी लोग लगा लो, ठंड पड़ेगी अब। हाँ ठीक है, बहुत खेचिले ऊपर ना बड़े बड़े वो मतलब इन्होंने चौकी बना रखे हैं, तो वो सारी चौकी उनको प्रोटेक्शन के लिए था। लास्ट को जो राजा का जो युद्ध हुआ हमीर सिंह जी और हमीर सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी का जो लास्ट युद्ध थी ना 17th टाइम आखिरी बार, उस समय ना इन्होंने तीन मंत्रियों ने गद्दारी कर दी थी। उन्होंने क्या किया कि राजा हमीर ने युद्ध जीत लिया था, बट उन्होंने मंत्रियों ने क्या किया, किले के ऊपर महल के ऊपर एक ब्लैक फ्लैग उन्होंने होइस्ट कर दिया। ब्लैक फ्लैग लहराने का मतलब है कि हमारी सेना हार गई। तो उस ज़माने में आपको पता है कि जौहर होते थे, हाँ जौहर, तो यहाँ की जो महारानियों ने जौहर किए थे, तो जो महारानी थी जो शादीशुदा महारानी थी उन्होंने अग्नि जौहर किया था, अपने आपको अग्नि में त्याग दिया था। और जो जो प्रिंसेस थी जिन्होंने शादी नहीं की थी उन सभी प्रिंसेस ने अपने आपको जल में त्याग दिया था, तो उनको जल जौहर कहा था। आपको दोनों स्पॉट्स दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ पे वो हुए थे, हम लोग चलेंगे इसलिए साथ में चलने बोल रहा हूँ ताकि एक एक जगह दिखाते चलेंगे हम लोग। तो अभी आपको एक रास्ता दिखाऊंगा जहाँ पे जिसको रणथंभौर किस लिए बोलते हैं, कि रण का मतलब होता है युद्ध करने का स्थल, तो युद्ध स्थल वाला जो जगह है जहाँ पे युद्ध हुई थी वो दिखाऊंगा आपको। उस जगह से मैं ना कम से कम आज के टाइम पे 1 घंटा लगेगा, उस समय तो घुड़सवारी करके जाते थे तो 1-1.5 घंटा 2 आधा दिन लगता था वहाँ से आने में यहाँ तक। तो वो जो किले के जो पीछे का हिस्सा है वो बहुत बड़ा खाई है जहाँ पे हम लोग चलेंगे, वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। तो उधर से जो वो आए राजा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ब्लैक फ्लैग होइस्ट हो रखा है क्योंकि उधर से दिख रहा था सामने से रण से। तो वो दौड़ते दौड़ते आए घोड़े को चढ़ाते हुए, और उनको पता चला कि मंत्रियों ने गद्दारी कर दी है और ऐसे ब्लैक फ्लैग होइस्ट कर दिया। तो वो अपनी रानियों को बचाने के लिए आए दौड़े दौड़े, उन्होंने देखा कि सारे गेट्स बंद है, धीरे धीरे गेट खुलवाते गए, तोड़ते थे लड़ाई करते करते। यहाँ पे आके ना जो तीनों गद्दार है ना उनका गर्दन सर अलग कर दिया था उनके बॉडी से उनको मार के। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे, वहाँ पे एक ना स्टैचू बनाया हुआ है और यहाँ के जो लोकल लोग की मान्यता होती है वो लोग ना उस भाइयों वो वेट कर रहे हैं आपका, यादगार तुम्हारी गाय यहाँ पे खींच सकते हैं। हाँ ये यहाँ पे ले एक फोटो, बैठो सभी बैठ जाएं। मोबाइल रखना है।
ये हमारा ग्रुप सारा और बहुत सारे लोगों ने माना है, बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला मेरे जान पहचान वाले लोगों ने, है ना, जितने घर बना लिए उसके दम के दम बन जाएगा, बस घर बन जाएगा भाई, पत्थर इकट्ठे करो बन जाएगा, वो दो तो आगे क्षत्रिय है, ये ज्योमेट्री के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ओके, मतलब कहीं ना कहीं लेआउट डाबा डाबल हो जाता है, बट फिर भी बनाया हुआ है इसलिए इतना यूनिक है। इसके ऊपर मत चढ़ना, मैं नहीं चढ़ता हूँ क्योंकि नीचे शिवलिंग है, भगवान के सर पे नहीं बैठते, मैं नहीं चढ़ता ऊपर, आप लोग देख लेना जैसा जिसको जो मेरे को भी लास्ट में पता चला था इसके अंदर शिवलिंग है इसलिए मैं ऊपर नहीं जाता, ठीक है, मैं यहीं तक फोटो वोटो खिंचवा लेता हूँ, फोटो खिंचवाने तो अभी बैठ जाते सारे सीढ़ी तक बैठेंगे, शिवलिंग नीचे है सर, शिवलिंग नीचे ग्राउंड में, यस सर यस सर, इसलिए ऊपर मत जाना प्लीज, अगर बस यहीं यहीं पे गोलमोल हो जाए बस, इसका फोटो ऊपर से कैसे ले सकते हैं, ड्रोन से, ड्रोन से ये क्या हुआ है, अपनी मानता, सर ने क्या बोला, अपनी मानता, अपनी अपनी है, आपको बता दिया, मैं तो नहीं जाता। Maliki